हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और वेलकम। देखिए, हम लोगों ने क्लास भी स्टार्ट कर दी थी और 15-20 मिनट तक मैंने पढ़ा भी लिया था, लेकिन मेरे को पता चला कि ये माइक तो यहाँ था ही नहीं, है ना। तो माइक तो मैंने लगाया ही नहीं, ऐसे स्टार्ट कर दिया, जेब के अंदर ही रह गया माइक। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और बहुत अच्छे से हार्दिक स्वागत। देखिए, एक अच्छी बात से मैंने कहानी को स्टार्ट किया था, आज अभी भी मैं उसी बात से इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ कंटेंट बनाने में, आप लोगों को अच्छे से एक अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और उसके बाद में कंटेंट देने के बाद में भी मेरा टारगेट रहता है कि मैं आपसे हर समय कनेक्ट हूँ, 24 आवर्स। आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपका जवाब दूंगा। नहीं समझ में आता है कॉल करो, नहीं समझ में आता है जूम मीट करो। हाथों हाथ सॉल्यूशन मिलना चाहिए, बस तुम्हारी हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए, मेरा ये टारगेट है। और इसमें मैं हर समय हर पल लगा रहता हूँ, ये भी ध्यान रखना बेटा। और दूसरी बात ये कि कल एक चीज़ बोली थी कि जो जो नए बच्चे जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, उनके नाम लेंगे, तो मूला राम जी थे, उनका बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद में सुमित्रा बहन का भी स्वागत, एक हमारी बहन पुरानी स्टूडेंट और हमारी बहुत प्यारी बहन अनीता बहन का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। ठीक है, कुछ लोग और नए जुड़े हैं, कमला बहन, कमला जी सिस्टर का बहुत बहुत वेलकम। और उसके बाद में एक राधिका बहन, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और भी काफ़ी सारे, एक बंजारा, राज बंजारा करके ऐड हुए हैं, शायद वो शीतल का अकाउंट है मेरे हिसाब से, तो आपका भी वेलकम है। ठीक है, बाबूलाल भी आज ऐड हुए हैं। ठीक है, जो भी नए बच्चे ऐड हुए उनका बहुत बहुत वेलकम। मेहनत करते रहिए, देखिए आपका टारगेट मेहनत करना है, मेहनत में कोई कमी ना छोड़िए। अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया ना, आज ये पसीना निकल रहा है ना, तो कल तुम इतने खुश होंगे ना, कहोगे कि यार उस समय इतनी मेहनत की ना कि आज लाइफ में हमारे पास में सब कुछ है, हमने हमारे पेरेंट्स के सपनों को अच्छे से पूरा किया। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जी रहे तो किसके लिए जी रहे? अपने पेरेंट्स के लिए जी रहे। वो देखो सर, मोबाइल में जो लोग हैं ना उनके लिए जी रहे, वो कई काम नहीं आएंगे जीवन के अंदर। सबसे बड़ा दुख जो है ना, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को फेंक दो और फेंके इतने दूर चले जाओ मोबाइल से कि आप जब जिस दिन सक्सेस ना हो ना, तब तक मोबाइल को हाथ ना लगाओ। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी कल रात से काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब मेरी प्रॉपर तो ठीक नहीं है, बट मैं क्लास ले रहा हूँ। मेरा एक सबसे बड़ा मोटो होता है कि मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, क्लास को नहीं छोड़ना। लेकिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मैं नहीं ले पाया। पता है ऑफलाइन में एक बार हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो एक साइड तो ड्रिप चढ़ रहा था, दूसरी साइड बच्चे वेट कर रहे थे क्लास ले। और आप मानोगे नहीं, ड्रिप उतरने के जस्ट 5 मिनट बाद मैंने क्लास ली थी और बच्चों को पढ़ाया था, और ये इलेक्ट्रिकली चल रहा था। बच्चों को याद होगा जो जो बच्चे मेरे से पढ़े थे ऑफलाइन वाले। आई बात समझ में? तो जीवन में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, आप करो। आप खुद अंदर से मर जाते हो ना, खुद को मार देते हो। ये देखो बिल्कुल उदास उदास बैठा है भाई, क्यों? बस सर समझ नहीं आता है, एक तो ये बहाना करेगा, या सर पढ़ने का मन नहीं होता है। मोबाइल चलाने का मन तो बहुत अच्छे से होता है ना, सारी जीवन उसमें ही तो है। अरे मोबाइल में कुछ नहीं रखा है, और ये आलस और बहानों में भी कुछ नहीं रखा है, समझे? जीवन को इतना अच्छा बना दो ना कि फिर पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। इस दुनिया में जिसे दोस्त मान रहे हो ना, ये कहीं काम नहीं आने वाले हैं। काम आने वाले हैं तो हम खुद या हमारे पेरेंट्स, उनका कहना मानो, उनकी बातों को फॉलो करो। जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, समझे? और एक चीज़ देखिए, आज एक अच्छी मोटिवेशन से बात कर रहे थे हम लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा है दिव्यांश, इस साल उसके नीट में 720 में से 720 आ रहे, ठीक है ना। इसका इंटरव्यू सिद्ध भैया ने लिया है, जानते हो ना सिद्ध भैया कौन है? तो सिद्ध भैया के साथ मेरा भी फोटो है जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, देख लेना, है ना। तो सिद्ध भैया मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी है और मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। पता है ना किन किन से मिला हुआ हूँ? बता सर, अलग सर से मिल गए, हाँ बिल्कुल, एनवी सर से मिल गए, बिल्कुल एनवी सर से मिल गया, और एलएन के सारे डायरेक्टर तो मेरे वैसे ही फ्रेंड है, क्यों? क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। आईआईटी के जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे वो अक्षय चौधरी सर है, चाहे केडब्ल्यू सर है, चाहे जीवन ज्योति है, ठीक है ना, अनुराग मिश्रा सर है, ठीक है, बाकी कुछ टीचर्स एलएन से चले गए, मोहित भार्गव सर अभी अन अकेडमी में, तो वो भी सारे मेरे कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो सिद्ध भैया ने इनका इंटरव्यू लिया। देख बहुत अच्छी बात सामने आई। क्या बात सामने आई ध्यान से सुनिएगा कि इस बच्चे ने 720 में से 720 मार्क्स लेके आए। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा इम्पॉसिबल काम किया। और दूसरी चीज पता है, इस बच्चे का एक लंग्स जो है ना वो काम ही नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें अगर थोड़ा सा बुखार आ जाए ना तुम स्कूल नहीं जाओ और पढ़े रहोगे, सोए रहोगे कि नहीं यार मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? और इस बच्चे ने 720 में से 720 लेके आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लगन थी, इसको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने थे, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना था, तुम्हारी तरह नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये थी कि इस बंदे ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम यही तो सोचते कि ये मेरे से नहीं होगा। कल कुछ बच्चों के फोन और कमेंट है, सर इंग्लिश में पढ़ा दो, सर प्लीज हिंदी कर दो। नहीं करूँगा, जानबूझ के इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम पढ़ना सीखो और जो तुम्हारे अंदर बहाने हैं ना उस बहानों से दूर आओ। तुम अच्छे से इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना है, ट्राई करो एक बार। तुम तो क्या सर इंग्लिश में पढ़ा रहे, छोड़ दो। और ये क्या, इंग्लिश में कोई गाना या कोई चीज़ आ जाएगी ना तुम उसे देख लोगे। इसीलिए इस चीज़ को मन से निकाल लो, तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, इसकी तरह बन के दिखाना है। 720 में से 720 हर कोई इंसान ला सकता है, लेकिन उसके लिए 720 जितनी मेहनत करनी पड़ेगी और वो तुम नहीं करते। यहाँ 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो 100 में से 100 बिल्कुल ला सकते हो बेटा। कोई इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ना कभी था ना कभी है। है इम्पॉसिबल चीज़ तो वो है कौन सी, कि खुद की नाकामियों को तुम दूर नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है ना नेगेटिविटी का और काम नहीं करने का और चोरपन की नीति का, है ना, वो सबसे खतरनाक चीज़ है। उसको बेटा दूर करो और जीवन के अंदर आगे बढ़ो। और जिस दिन तुम आगे बढ़ गए ना तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पीछे मुड़ के देख नहीं पाओगे। पता है फेलियर चीज़ होती है ना जीवन में, सबसे खराब चीज़ होती है फेलियर। जिस इंसान ने फेलियर देखा है ना, ऐसा मान के चलो जब उसे सक्सेस मिलता है ना छोटा सा भी, बहुत खुशी होती है। पता है मैंने JEE के AEE के एग्ज़ाम आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से पीछे रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी खुद के बारे में अचीवमेंट मिलता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने लाइफ के स्टेज के बहुत फेलियर सहन किए। जो मेरे फ्रेंड्स हैं या सवाई जी सर और भाभी जी सर को अच्छे से पता होगा कि कितने कितने फेलियर सहन करके, कितने स्ट्रगल से निकल के आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और आपके सामने हूँ, ठीक है। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने MCQ किए थे, कुलाम्स लॉ के सारे MCQ ख़त्म कर दिए। उसके बाद में हम लोगों ने जो MCQ किए थे आपके सुपरपोजिशन थ्योरम पे, वो भी ख़त्म कर दिए। एक चीज़ बच गई थी MCQ हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट के, आज हम उस पर करेंगे। और उस पर MCQ करने के बाद में आपकी एक थ्योरी बची थी, किसकी, सुपरपोजिशन थ्योरम की, जो बोर्ड वालों के लिए काम किए वो लिखवाना है, वो आज करवा देंगे। एक चीज़ पूछनी थी, होमवर्क का क्या करना है? होमवर्क का मैं आंसर की आपको भेज दूँ, यहाँ सॉल्व करके वीडियो बनाना है तो मेरे को मैसेज कर देना, मेरे नंबर लिखे हुए इस पर, ठीक है। तो एक काम करेंगे, होमवर्क का जो सेशन रहेगा वो लाइव लगाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम बता देना। अगर ये वीडियो लेट नाइट तक अपडेट होती है तो मेरे को नाइट में मैसेज कर देना, एक लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। कल हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से शुरू करेंगे, होमवर्क डिस्कशन पेंडिंग रहेगा। तो होमवर्क डिस्कशन जो है आप मेरे को बता देना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो क्लास लगाएंगे, ठीक है। तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते और कहानी को स्टार्ट करते। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ होती है इक्विलिब्रियम स्टेट, हिंदी वाले साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब यही होता है, साम्य अवस्था। तो किसकी साम्य अवस्था, बात क्या आती है कि साम्य अवस्था किसकी? तो ये साम्यवस्था होती है चार्ज की। किसकी होती है? चार्जेस की। तो सबसे पहली चीज, दो चार्जेस के इक्विलिब्रियम स्टेट होती है,
सर दो चार्जेस की कैसे? कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस पे एक तीसरा चार्ज और लेके आ जाए। क्या कहा बच्चे? हमारे पास में कितने चार्ज है? दो। और उन दो चार्जेस के पास में एक तीसरा चार्ज लेके आ जाए, और वो सिस्टम कैसा हो जाए? इक्विलिब्रियम। कैसा हो जाए? इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाए। और आप लोगों को पता है, जब हमारी स्टेट इक्विलिब्रियम हो जाती है तो उस कंडीशन में नेट फोर्स का मान कितना आ जाता है? जीरो। कितना आता है? जीरो। क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करने वाले, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे कि हमारे पास में मान लीजिए दो चार्ज, एक ये वाला चार्ज है और एक ये वाला चार्ज है। अभी नेचर के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा सिस्टम बने जहां पे एफ नेट जो है वो जीरो आ जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, तीसरा चार्ज कहाँ रखे? तो तीसरा चार्ज जो होता है वो दो जगह रखा जा सकता है, एक हम लोग बीच में रखते हैं, एक आसपास में रख सकते हैं। अब कौन सी केस में कौन सा चार्ज रखोगे उसके बारे में ही हमको बात करनी है। आई बात समझ में? क्या कहा? नेट फोर्स जीरो आनी चाहिए। और दूसरी चीज, तीसरे चार्ज को इन दोनों चार्ज के बीच में भी रख सकते हैं या किसी एक के पास में रख सकते हैं। अब कौन सी कंडीशन कब आएगी उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसी से डिस्कशन करते हुए आपके जो है वो इक्विलिब्रियम बनेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले ये समझना है कि चार्ज कैसे लेने हैं, कौन सा चार्ज रखना है और कहाँ रखना है, उसके बाद में नेट फोर्सेस जीरो आना स्टार्ट हो जाएगी। समझे? चलो तो एक बार देखो इसको, एक सेकंड के लिए जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज की नेचर कैसे रख सकते हैं? आप लोगों को पता हो, हम आपको बताए थे कि दो प्रकार के चार्ज ले सकते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दो चार्जेस के सिस्टम बनते हैं, एक लाइक चार्जेस का बनता है, दूसरा अनलाइक चार्जेस का बनता है। एक किसका बनता है भाई? लाइक चार्जेस का। तो दूसरा सिस्टम किसका बनता है रे? अनलाइक चार्जेस का। सपोज दैट हम एक काम करें इस तरीके से, एक सिस्टम बनाए, यहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रहे और यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज रहे। यानी कि हम जो पहला केस बना रहे हैं वो बना रहे हैं लाइक चार्जेस का। अब तीसरे चार्ज को कहीं बीच में रखना है, मिड में नहीं रखना है, मिड की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी रखना है, और नेट फोर्सेस क्या आनी? जीरो। सपोज हम लोग एक ऐसा काम करते हैं कि तीसरे चार्ज को यहां कहीं रख देते हैं। अभी डिस्टेंस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि चार्ज को रखा कैसे जाता है। देखिए दोनों चार्ज की नेचर कैसी है, लाइक। और तीसरा साथ, सपोज हम लोग तीसरे चार्ज को बीच में रख दे। कहां रख दे? बीच में, यानी कि मिड में रख दे। और जब तीसरे चार्ज को मिड में रखे तो क्या नेट फॉर जीरो आ रही है? सबसे पहले चेक करो, सर चार्ज कैसा ले, प्लस क्यू ले या माइनस क्यू ले? तो सबसे पहले हम प्लस क्यू यहां पे देखते हैं क्या आता है। एक चार्ज हमने प्लस क्यू बीच में रखा, इन दोनों के बीच में। जैसे इन दोनों के बीच में रखा तो ध्यान से देखना कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा बोल? रिपल्सिव फोर्स। तो इस चार्ज के कारण यहां पे क्या लगने वाली है? रिपल्सिव फोर्स। और इस चार्ज के कारण भी क्या लगने वाली है? रिपल्सिव फोर्स। ये इसके पास में है तो बहुत ज्यादा रिपल्सिव लगाएगा, और ये इससे दूर है तो बहुत कम लगाएगा। और लास्ट केस में जाके क्या होगा कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी और यहां पर नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। यानी कि जब चार्ज की दोनों की नेचर प्लस क्यू हो तो बीच में प्लस क्यू चार्ज को तो रख सकते। अब ये गुड़िया सोच रही है कि सर बड़े भैया ये बताइए, अगर मैं इन दोनों के बीच में
माइनस क्यू चार्ज को रख दूं तो क्या नेट फोर्स जीरो आएगी, करके देख ले। ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, और यहां पे रखा मैंने माइनस क्यू। जैसे ही मैंने माइनस क्यू रखा तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में अट्रैक्शन हो गया, और प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में अट्रैक्शन हो गया, तो उस केस में भी नेट फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो। ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो यहां से एक बात तो समझ में आई कि जब दोनों चार्ज की नेचर प्लस प्लस हो तो बीच में कोई सा भी चार्ज रखो, चाहे वो पॉजिटिव रखो चाहे वो नेगेटिव रखो, दोनों केस में नेट फोर्स का मान तो जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, जीरो आ जाएगा। आई बात प्यारे बच्चों समझ में, यहां तक कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? अरे ध्यान से सुनो कि दो चार्ज है, हो सकता है कि दोनों चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू हो, बीच में हमने कैसा रखा प्लस क्यू चार्ज, तो भी नेट फोर्स जीरो आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चार्ज तो प्लस क्यू है लेकिन बीच में माइनस क्यू चार्ज रखा, उस केस में भी नेट फोर्स क्या आई, जीरो। तो एक बात आपने समझी कि लाइक चार्जेस है दोनों प्लस क्यू सेम, उस केस में नेट फोर्स क्या आ रही है, जीरो। क्या ये बात इस वाले चार्ज के लिए भी सही हो सकती है क्या? कौन से वाले चार्ज? तो ये वाले चार्ज, माइनस क्यू, करके देखो एक बार, हर काम को किया करो। ये माइनस क्यू, बीच में प्लस क्यू चार्ज रखो, रखा क्या आया, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, माइनस क्यू, बीच में कौन सा रखना है, माइनस क्यू, क्या आया बेटा, रिपल्सन और रिपल्सन। यानी इस केस में भी नेट फोर्स क्या आ रही है, जीरो। आई बात समझ में? तो क्या कह सकते हैं कि जब लाइक चार्जेस हो, कैसे हो, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो रहा है, सेम नेचर के चार्जेस। तो चार्ज की नेचर कैसी है, सेम। उस केस में मिड में हम चार्ज को रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, और क्या नेट फॉर जीरो आता है, बिल्कुल आता है। यानी स्टेट कैसी हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाती है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो यहां पे आप लोगों को यह समझाया कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, और दूसरी चीज कि चार्ज को बीच में कौन सी कंडीशन में रखा जाता है। तो कौन सी कंडीशन में रखा जा सकता है, जब दोनों की नेचर सेम हो, बीच में चाहे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपके पास में नेगेटिव चार्ज हो। आई बात बेटा समझ में? तो यहां तक किसी को तकलीफ है, कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे गुड्डे गुड़ियाओं, प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, एक बार देख लीजिए एक समय के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, ताकि मैं साइड में हो जाता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि ऐसा हो जाए दोनों चार्जेस की नेचर जो है वो हमारे पास में अनलाइक हो जाए, कैसे हो जाए, अनलाइक। यानी कि एक चार्ज तो है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है नेगेटिव, इस तरीके से ये वाला केस हो जाए तो क्या करोगे आप लोग? चलो अब देखिए ध्यान से, अब आप एक बार बीच में चार्ज को रखिए, खुद से देखिए क्या नेट फोर्स जीरो आ रही है क्या, खुद से करो एक बार, जो कंसेप्ट बताया वही करो, बीच में चार्ज को रख दो। क्या कंसेप्ट बताया, बीच में एक चार्ज को रख दो और जो चार्ज पास में उसके कारण देखो डायरेक्शन फोर्स की क्या आ रही।
अगर दोनों की डायरेक्शन हमारे पास में अपोजिट आ रही है तो नेट फोर्स जीरो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब यह है कि वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं आ रही है। बच्चा आई ना बात समझ में? क्या कहा कि चार्ज को रखो सबसे पहले, प्लस क्यू को रखो, ये रखा प्लस क्यू को, और जैसे ही प्लस क्यू को आपने कुछ डिस्टेंस पे रखा तो देखिए प्लस और माइनस क्या आ गया बेटा, अट्रैक्शन आ गया, और प्लस क्या आ गया, रिपल्सन आ गया। अब दोनों वेक्टर एक साइड आ गए मतलब ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेट फॉर जीरो होना पॉसिबल नहीं है, यानी अनलाइक के केस में बीच में चार्ज रख ही नहीं सकते, मिड में चार्ज को रखा ही नहीं जा सकता। अब अपन यहाँ पे रख के देखें, अगर यहाँ पे चार्ज को रखे प्लस क्यू का रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा अट्रैक्शन और ये यहाँ पे दे देगा रिपल्सन। उसके बाद में यहाँ पे रख के देखो, ये रिपल्सन देगा वो अट्रैक्शन देगा इस तरीके से, तो बाहर तो जीरो हो सकता है लेकिन बाहर दो साइड जीरो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, बाहर जो जीरो हो रहा है वो दोनों साइड हो रहा है, एक ये राइट साइड भी हो रहा है और एक ये लेफ्ट साइड भी हो रहा है, तो कौन सी साइड लेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना जो छोटा चार्ज है ना वो वाली स्टेट सही होती है। क्यों? ध्यान से देखना, जैसे कि ये छोटा वाला चार्ज है यहाँ पे से, इसके कारण क्या हो रहा है ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू, सेम नेचर का कैसा आ रहा है अट्रैक्शन फोर्स, ये प्लस टू क्यू चार्ज है यहाँ से बहुत जो है कम रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, तो उस केस में दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये प्लस टू क्यू और ये प्लस क्यू से जस्ट पास में आ गया तो ये बहुत ज़्यादा रिपल्सिव क्या करता है, रिपल्सिव जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से दूर फेंकता है फोर्सेस को, और ये जो है वापस अट्रैक्टिव करेगा तो इतना कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या ध्यान रखना कि कभी भी ध्यान रखना अनलाइक चार्जेस हो, चार्जेस कैसे बेटा अनलाइक, बोलो कैसे रे अनलाइक, और जब हमारे चार्जेस अनलाइक हो उस केस में क्या होता है, चार्ज कहाँ रखते हैं, बाहर, चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, एक्सटर्नल पोजिशन पे रहेगा, यानी कि हम उसे बाहर के जगह रख सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे रखेंगे यानी बाहर रखेंगे, एक्सटर्नल रखा जाएगा किसके पास रखा जाएगा, स्मॉल चार्जेस के पास। ये दो केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहले समझा इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जहाँ पे नेट फोर्सेस जीरो आ जाए, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्सेस जीरो आ जाए। तो हम तीसरा चार्ज जब रखते हैं बीच में रखोगे तो चार्ज की नेचर कैसी होनी चाहिए, लाइक के अनलाइक, बोलो बोलो ध्यान से, लाइक के अनलाइक, लाइक होनी चाहिए। अगर अनलाइक चार्ज ले रहे हो तो कहाँ रखोगे, बाहर, कहाँ रखोगे, बाहर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, दोनों केसेस को साथ में लेके बताऊंगा। सपोज ये लाइक चार्जेस का केस है, और ये अनलाइक चार्जेस का केस है, दोनों केस ले लिए, एक केस मेरा लाइक चार्जेस का है तो दूसरा केस अनलाइक चार्जेस का। अब बात को ध्यान से समझे, लाइक चार्जेस में क्या देखा था, इस तरीके से देखा था कि नहीं देखा था, एक चार्ज हमारा प्लस क्यू ले लेते हैं तो दूसरा प्लस टू क्यू ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखिए, सपोज हम यहाँ पे एक चार्ज को रख रहे हैं, छोटा सा चार्ज लेते हैं, ये चार्ज का मान है प्लस क्यू, या माइनस क्यू भी ले सकते हैं ना, क्या बेटा ले सकते हैं ना माइनस क्यू, तो फिर माइनस क्यू भी ले सकते हैं, मैंने बता रखा है। और बीच में चार्जेस को लोगे तो इस केस में नेट फोर्सेस का मान कितना आना है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव, तू कैसा है पॉजिटिव, इसको दूर भेज दे भाई, ये ले भाई दूर जा, तू कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, भाई दूर चला जा, नेट फोर्स जीरो कर दे भाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये डिस्टेंस एल ले लेते हैं बच्चों, कितनी ले लेते हैं एल, अगर ये डिस्टेंस एल है और हमने एक्स दूरी पे चार्ज को रखा तो मेरे प्यारे बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी।
अब बेटा ध्यान से देखिए, इसके कारण फोर्स लग रहा है उसको नाम दे दो F1, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो F2 नाम दे दो। जब हमारे पास में नेट फोर्स जीरो आनी है, इसका मतलब F2 माइनस F1 रहेगा कि नहीं रहेगा? जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते, जो बड़े में से छोटा घटाते, तो मान लीजिए F2 बड़ा है तो छोटा कौन सा हो? F1। यहाँ सीधा करो ना, F2 बराबर F1 कर दो, खत्म करो। F2 कौन सा फोर्स है? तो F2 जो फोर्सेज है वो इन दोनों के बीच के कारण है। अरे है कि नहीं है? किन के कारण है? इन दोनों के बीच के कारण है। यहाँ पे 4 की कर दो, दिक्कत आएगी, 2Q से बैलेंस नहीं हुए सवाल, 4 की कर देते। मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ सवाल को। अब ध्यान से देखिए F2 का मान कितना आएगा, Q1 Q2 अपॉन R² बराबर के Q1 Q2 अपॉन R² तो देखिए K से K गया, ठीक है, तो क्या बचा? यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप लोग तो यहाँ पे हमारे पास में बचा K गया, क्योंकि 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 4। एक्स अपॉन एल माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन ± 2, लेकिन जनरली हम कौन सी वैल्यू लेते हैं पता है ना बेटा? प्लस वाले लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 2x बराबर कितना आ गया L माइनस एक्स, तो 3x बराबर आ गया L, x बराबर आ गया बच्चों L/3। x कौन सी वैल्यू थी? ये तो हमारे पास में L/3 है, यानी छोटे वाले 4 से कितना है L/3, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी L-L/3 मतलब कितना 2L/3, तो दोनों डिस्टेंस आगे कि नहीं आगे? तो आपसे एग्जाम के अंदर ये डिस्टेंस पूछी जाती है। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको पूरा थ्योरी से ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, नेट फोर्सेस निकाल के जीरो के बराबर करनी होती। सर शॉर्ट ट्रिक है क्या? हमें लॉन्ग कट नहीं आता। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन जो 12 के बच्चे हैं ना उनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। उनको ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ता है, नेट फोर्स निकाल के एक्स निकालना पड़ता है, और वो पूछते हैं कि भाई प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस पे, तो L/3 है, और आपसे पूछे कि प्लस 4Q से कितनी डिस्टेंस पे, तो वो 2L/3 है, ये ध्यान रखना। अब बात को सुनो, शॉर्टकट की बात है। शॉर्टकट क्या होता है ध्यान से सुन लो बच्चों, शॉर्टकट की बात कर, सीधा शॉर्टकट आता है एक्स का, √Q1 अपॉन √Q1 + √Q2 का मल्टीप्लाई कर दो L से, खत्म। ये शॉर्टकट है। सर कौन सा Q1 है कौन सा Q2 है? यहाँ पे तो देखो अलग अलग वैल्यू है, Q1 Q2 तो है ही नहीं। तो Q1 जो होता है वो स्मॉल चार्ज होता है, Q2 जो होता है वो लार्ज चार्ज होता है। तो यहाँ पे स्मॉल Q है या फॉर Q है? Q मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है, विथ साइन नहीं लेना है। तो √Q अपॉन √Q + √4Q को कॉमन ले लीजिए बेटा, तो √Q को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 + √4 हो गया 2। √Q से √Q गया, L का मल्टीप्लाई है ना बेटा, तो कितना आ गया L/1 + √2 आ गया। L/3 आया कि नहीं आया? सर ये बहुत अच्छी ट्रिक लगी सर, है ना, बहुत अच्छा लगा, इससे क्वेश्चन भी आसानी से हो रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। लेकिन 12th वाला ध्यान रखना, आपको ये पूरा डीप में करना पड़ेगा जब 12th क्लास में है, तो एक बार देख लो अच्छे से।
इसके बाद की कंडीशन देखते हैं जो मैंने आपको बताई थी। ये था कौन सी कंडीशन, मिड पॉइंट वाला। सपोज हमारे पास में ऐसा हो जाए इस तरीके से, एक क्यू है और दूसरा नाइन क्यू है, हम बाहर रख रहे हैं। बाहर कहाँ रखते हैं, छोटे वाले के पास में रखते हैं ना, तो छोटे वाला ये रहा, यहाँ पे अपन रखते हैं एक्स दूरी पे। ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा प्लस क्यू चार्ज, ये यहाँ से क्या दूरी हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखोगे तो एल प्लस एक्स हो जाएगी। इसका भी शॉर्टकट है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, आप नेट फोर्स से जीरो कर देना, एफ वन बराबर एफ टू कर देना। जब एफ वन बराबर एफ टू करोगे तो क्या बनेगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू नाइन क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू और क्यू से क्यू काट लेना तो बचेगा क्या, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर नाइन अपॉन वन बचेगा। अब इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल देना, एक्स, तो सीधा सीधा निकल जाएगा जैसा अभी पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था। शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा शॉर्टकट होता है, ज्यादा कोई नहीं होता, कि एक्स बराबर रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन मल्टीप्लाई एल। तो पहली चीज तो क्यू वन स्मॉल चार्जेस है, तो यहाँ पे Q1 कैसा चार्ज है, स्मॉल, Q2 कैसा चार्ज है, लार्ज। अब ध्यान से देखो, ये स्मॉल ये लार्ज, और आपको पता है लार्ज में से स्मॉल घटता है तो नीचे कहाँ नहीं चेंज हुई, ये ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला रहता है, आई बात समझ में। तो ये मैंने आपको दोनों वेराइटी बताई कि चार्ज को बीच में रखते उस केस में क्या होता है और कैसे रखते और नेट फोर्स कैसे जीरो होती है, ये भी बता दिया। और दूसरे वाले केस में भी यह बताया कि बाहर रखने पर कैसे जीरो होता है और कहां जीरो होता है, वो भी मैंने बताया कि छोटे वाले चार्ज के पास में जीरो होता है, और छोटा यानी कि स्मॉल चार्जेस कौन सा होता है जिसकी वैल्यू छोटी हो। तो दोनों के डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले बताए, एक का बताया फिर दूसरे का बताया। एक और चीज होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो चीज़ क्या होती है, ध्यान से देखना। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस एन क्यू हो जाए, तो क्या कहा, ये प्लस क्यू और ये प्लस एन क्यू, और हम चार्ज को बीच में रख दें, उस केस में क्या होता है। तो देखिए तरीका सेम है, तरीके में फर्क नहीं है, ये एक्स होगा, ये आप इसे आर मानो तो ये आर माइनस एक्स होगा। तरीका वही करना है कि नेट फोर्सेस को क्या करना है, जीरो करना है। तो आप नेट फोर्सेस को जीरो करोगे, ये पॉजिटिव रिपल्सन, ये पॉजिटिव रिपल्सन, तो वही तरीका आएगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू एन क्यू, के क्यू एन क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के जाएगा, क्यू से क्यू जाएगा, इस क्यू से इस क्यू जाएगा, तो क्या बचेगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एन, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट एन, आर माइनस एक्स बराबर रूट एन एक्स, आर बराबर रूट एन एक्स प्लस एक्स, एक्स बराबर आर अपॉन रूट एन प्लस। सर ये तो और छोटा हो गया, सर ये तो बहुत सिंपल है सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आर मतलब एल बेटा है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो अपॉन रूट एन प्लस वन। लेकिन रुक जाओ भाई, जरूरी थोड़ी ये चार्ज हमेशा इसका मल्टीपल आ जाए भाई, यहाँ क्यू है तो यहाँ फोर क्यू आए, यहाँ q है तो 9q आए, यहाँ q है तो 5q आए। सपोज यहाँ पे प्लस 4q आ गया और यहाँ पे प्लस 16q आ गया, प्लस
प्लस 4q और प्लस 16q आ गया, उस केस में दिया फॉर्मूला क्या हो गया, इनवैलिड। आई बात समझ में? तो फॉर्मूले लगाने में भी ध्यान रखना है बेटा। ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को? चलो दिख रहा है, तो ध्यान रखना कि फॉर्मूले तीन बताए मैंने, मिड में रखने के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो मिड में रखने का पहला फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, x बराबर अंडरूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू का मल्टीप्लाई एल से करोगे, ठीक है। एक अभी बताया, क्या बताया, सिंपल सा बताया कि आर यानी एल, आर को एल कर लेता हूँ, अपॉन रूट एन प्लस वन। लेकिन ये कब वैलिड है? केवल और केवल इस केस में वैलिड है कि यहाँ पे जितना चार्ज है उनका एन मल्टीप्लाई यहाँ होना चाहिए, और एक्सटर्नल यानी बाहर जब रखोगे तो वो केस कौन सा बताया, उस केस में आपको सिंपल सा बताया एक्स बराबर रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन का मल्टीप्लाई एल से कर दो। ये दोनों केसेस बताया और फॉर्मूले भी बताए। ये शॉर्टकट बताया, लॉन्ग कट क्या था, नेट फोर्सेस को जीरो करके सॉल्व कर लेना। एक बड़ा फेमस सवाल है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, दो मिनट को। ये सवाल मैं रिटर्न आऊंगा तब करवाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक सेकेंड, ये सवाल बहुत आए हैं, है ना। चलो एक ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर वापस रिटर्न आऊँगा लौट के। ये किया था ना, एल बाई थ्री आया था, एल बाई थ्री कहाँ से आया था बताओ। देखो अभी सवाल किया था ना, क्यू और फॉर क्यू वाला, जो आप आंसर आया था एल बाई थ्री, एल बाई थ्री कहाँ से आया था, छोटे वाले से आया था बड़े वाले से? तो मैंने क्या बोला, जो एक्स डिस्टेंस निकालते थे वो छोटे वाले से निकालते थे। तो छोटा कौन सा है, क्यू है या फॉर क्यू है? सर क्यू इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल, ये देखो मैंने बोला था ना कि दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई ना हो, यानी ये क्यू है तो ये हमारा एन क्यू ना हो, ये चीज़ मैंने कहा था। तो उसको करने का शॉर्टकट देखो बेटा, दोनों की नेचर कैसी है, सेम, बीच में रखना है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट क्यू वन, तो क्यू वन कौन सा है, छोटा वाला, मतलब अंडर रूट फॉर क्यू अपॉन अंडर रूट फॉर क्यू प्लस रूट 9q। तो x बराबर क्या बच गया बेटा, 2 अंडर रूट क्यू अपॉन 2 रूट क्यू प्लस 3 रूट क्यू। तो x बराबर कितना आ गया, 2 रूट क्यू अपॉन 2 प्लस 3 5 रूट क्यू। l क्या दे रखा है, l ही दे रखा है, तो ये आ गया 2 बाई 5 l। कितना आ गया, 2 बाई 5 l आ गया। सपोज 2 बाई 5 एल दे रखा है, लेकिन कहाँ से 2 बाई 5 एल आपको निकालनी है, फॉर क्यू से निकालनी है। तो फॉर क्यू यानी ये छोटा वाला चार्ज है, इससे तो 2 बाई 5 आ जाएगी। अगर पूछे प्लस 9q से, तो प्लस 9q से कितनी हो जाएगी, तो एल माइनस 2 बाई 5 एल कर देना। तो ये 5 एल सी एम ले लेना, 5 एल माइनस 2 एल कर देना, 3 एल बाई 5 हो जाएगा। ऐसे सवाल आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे सवाल करवाने की जरूरत नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से। अब अच्छा सवाल जो है वो दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, इस पे आधारित ही सवाल है। देख सवाल को पढ़ना एक बार, सर हिंदी में भी बोल देना, कुछ बच्चों ने कल बोला था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाते समय सर आप हिंदी में बोल देना, वो बात सही समझ आती है मेरे को, क्योंकि कुछ टर्म्स हिंदी की होती है वो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आती, और कुछ टर्म्स इंग्लिश की होती है जो हिंदी वालों को नहीं आती। तीन चार्जेस है, एक प्लस क्यू, स्मॉल क्यू और प्लस क्यू, इनको रखा गया है, ठीक है, 0d/2 और d डिस्टेंस। तो सवाल का कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से आपके पास में एक ओरिजिन बना रखा है आप लोगों ने, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट x बराबर 0 मान लो,
मिड का पॉइंट क्या हो जाएगा, x बराबर डी बाई टू, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x बराबर डी हो जाएगा। तीन चार्जेस रखे, जीरो पे प्लस क्यू को रखा गया है, यहाँ पे स्मॉल क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, अरे तीन आवेश हैं, ठीक है, तीन आवेश को एक यहाँ पे रखा गया है जीरो पर, एक डी बाई टू पे और एक डी पे। तो बताना क्या है सवाल के अंदर, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस रखा गया है और हमने एक्स एक्स पे ही रखा है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्लस क्यू चार्ज एट एक्स बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर जीरो पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आ रही है, क्या आ रही है, जीरो, इसने बोला है कि इस बार यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो रही है। उस केस में बताना है कि आपके पास में स्मॉल क्यू का मान कितना होगा। कुछ बच्चों ने रट भी रखा होगा, देखो उसने बोल दिया उत्तर, तो ये रटवाते भी है कुछ लोग, अब मैं भी रटवाने बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिमाग में सेट करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये कैसे होता है, तो क्या करो बच्चों, ये डिस्टेंस आप कितनी मानो, डी बाई टू दे रखी है ना, तो मानने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी मानो, टी, यानी इस चार्जेस से सबसे पहले इस वाले चार्जेस से नेट फोर्सेस ले लो, फिर इस वाले चार्जेस से दूसरी वाली फोर्स ले लो, नेट फोर्स जीरो करो, और जब नेट फोर्सेस जीरो होती है तो दोनों के इक्वेशन को क्या करते हो, इक्वल करते हो कि नहीं करते हो रे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, के क्यू टू स्मॉल क्यू अपॉन e बाई टू का स्क्वायर करोगे इक्वल्स टू के, उसके बाद में q, उसके बाद में q अपॉन डी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, k गया, q गया, अब क्या बचा, q टू का स्क्वायर फोर q अपॉन डी स्क्वायर बराबर क्या बचा, q अपॉन डी स्क्वायर। फोर क्यू बराबर कितना आ गया, टेल क्यू स्मॉल क्यू बराबर आ गया क्यू बाई फोर। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा भी सवाल है और प्यारा सवाल भी, लेकिन ध्यान रखना इसमें कभी कभार नेचर पूछी जाती है, इक्विलिब्रियम कैसा, स्टेबल क्या अनस्टेबल। तो बेटा जब लाइक चार्जेस हो और बीच में चार्ज को रखा जाए तब तो इक्विलिब्रियम बनता है स्टेबल, तो स्टेबल के केस का सवाल है, और अनलाइक चार्जेज हो तो क्या बनता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे वो भी समझा दूँ, पहले एक सेकंड के लिए ये देखो, ये रट, ये याद कर लेना कि दो चार्जेस रखे जाए सेम नेचर के, तो बीस में मिड में जो तीसरा चार्ज रहेगा उसका मान q बाई फोर रहेगा, कितना रहेगा रे, q बाई फोर रहेगा, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल कब होता है वो कहानी में थोड़ी सी समझा देता हूँ। अब देखो स्टेबल अनस्टेबल कब होते हैं, ध्यान से देखना, दोनों केसेस बता, एक आपने चार्ज लिया प्लस क्यू, दूसरा ये भी प्लस क्यू, आपने मिड में रखा ये वाला चार्ज, मिड में रखा प्लस क्यू। अब ध्यान से सुनना क्या होता है स्टेबल, इस चार्ज को थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस कर दो, यानी चार्ज को उठा के यहां ले आओ। अब जैसे ही चार्ज को यहाँ उठा के लेके आओगे तो ये प्लस क्यू क्या करेंगे, रिपेल, मैं ये बनाऊंगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स लग गया यहाँ पे, और ये वाला प्लस क्यू यहाँ पे क्या लगाएगा, वापस रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो दोनों रिपल्सिव फोर्स बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम क्या हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग गया। तो देखो एक बार आपने यहाँ लिया तो रिपल्सन करा तो वापस यहाँ पहुँचा, फिर आपने यहाँ लिया तो वापस रिपल्सन, तो इस तरीके से ये क्या करा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर। तो ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस केस में दोनों रिपल्सन फोर्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, दोनों रिपल्सन फोर्स आ रहे हैं, और अगर आपने एक की नेचर चेंज कर दी उस केस में देखना क्या होगा, ध्यान से देखना कि अगर आपने इसको यहां प्लेस करके लिया है तो ये तो यहां पे रिपल्सन दे रहा है, ठीक है, और अगर आपने हटा के इसको यहां से यहां लिया है तो ये यहां पर क्या देने लग जाएगा, अट्रैक्शन देने लग जाएगा। आई बात समझ में, एक सेकंड क्या होगा, रुकना एक मिनट, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू चार्जेस है, इस वाले केस में मेड कंडीशन से प्लस क्यू को रखा है, आप यहाँ प्लस क्यू लेके आगे, जब यहाँ प्लस क्यू लेके आते ये क्या लगा रहा है बेटा, ये यहाँ से लगा रहा है रिपल्सन, ठीक है, और ये यहाँ से क्या लगा देगा, अट्रैक्शन, है ना,
और यहाँ पे करोगे तो ये भी कंडीशन सेम आएगी। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई, चल इसको अपन बाद में देखेंगे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। चलो ठीक है, तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जब दोनों की नेचर सेम होती है। तो स्टेबल में क्या चाहिए होता है, नेचर सेम चाहिए। अब ये सवाल आया भी है, ध्यान से देखना कि स्टेबल कौन सा और अनस्टेबल कौन सा है ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखना ध्यान से, चलो क्या उत्तर आएगा। अच्छा, उस वाले सवाल में क्यू बाई फोर तो बता दिया था आप लोगों को, इसकी नेचर बताना भूल गया था मैं, क्या नेचर आएगी इसकी, तो ध्यान से देखना बेटा। एफ नेट जीरो लाना है, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव रिपल्सन, ये पॉजिटिव रिपल्सन पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव नेचर रही तो यहाँ पे अट्रैक्शन चला जाएगा और यहाँ पे रिपल्सन चला जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। इसमें शायद नेचर पूछा नहीं था शायद, है ना। अच्छा, मैंने ये आंसर लगा दिया, ये सही होगा। चलो ये रहा सवाल, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, नीट के पेपर का सवाल है, 1995 का सवाल है। ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द जॉइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर होता है। अभी हम करके आए, अब देखना वापस वही आ गया, माइनस क्यू बाई, कर्नाटका नीट के पेपर का सवाल है 2013 का, माइनस क्यू बाई फोर। अब देखो बेटा, स्टेबल और अनस्टेबल पूछ रहा है, तो देखो दोनों कैसे है, फोर क्यू, तो ये क्या आया, माइनस क्यू। जब ये क्यू और ये क्यू होते तो ये कितना आता था, क्यू बाई फोर आता था कि नहीं आता था। तो अब क्या हुआ, ये फोर क्यू ये कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया। तो आपको बताना है, तो सीधी सी बात है, क्यू बाई फोर होता है तो इस बार क्यू हो जाएगा, लेकिन इस बार सेवल और केवल क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम, तो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब बताना कैसा, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो ये क्या बताओगे आप लोग, तो ओनली माइनस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम बताएगा। आगे बात समझ में, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये करवा चुके, चलो ये सवाल होमवर्क रहेगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला रहा 25 और 16 वाला करवा दिया, 16 और 4 वाला होमवर्क है बेटा, कर लेना। वैसे 416 और है ना, मल्टीपल से भी कर लो आप उसको, उस वाले शॉर्ट कर। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट निकालना, बताया था मीडियम का कैसे निकालते थे, एप्सिलॉन आर बराबर क्या था, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ना, तो मीडियम का ये कितना देर का है, 10। एप्सिलॉन ऑयल निकालना है, एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो एप्सिलॉन ऑयल बराबर आ गया 10 एप्सिलॉन नॉट आ गया। चल ये अच्छा सवाल है, इसको मैं बताऊंगा, करवाऊंगा नहीं, ठीक है ना। तुम सोचते हो सारे के प्रीव्यू शेयर करवा दूं मैं, तो पॉसिबल नहीं है। ये तो करवाया वही था, क्या था, एफ मीडियम एफ एयर या एफ नॉट अपॉन के था, तो मैंने बोला भी था के टाइम्स कम होता है, तो डिक्रीज विद के टाइम्स। क्वेश्चन पढ़ने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है, ठीक है ना। चलो बेस्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सबसे तगड़ा सवाल है भाई, अब इस सवाल के मुकाबले कोई सवाल नहीं है, पढ़ने की कोशिश करो करो।
हो गया सवाल, अच्छे से हो गया होगा, है ना सर? कर लिया सवाल को, बहुत बढ़िया कर लिया। तो बेटा ए स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर, एक सेकंड, इसकी रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट नहीं होने वाली, पहले चेक कर लाता हूँ कितना टाइम के बाद रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी। अच्छा 5 मिनट का टाइम है ना, 5 मिनट में सवाल कर लेंगे। एक्चुअल में क्या फॉर के जो होता है ना वो 1 आवर तक की रिकॉर्डिंग लेता है, फिर ज़्यादा लेता नहीं। ए स्मॉल कंडक्टिंग हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, एक आपके पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और आपके पास में एक -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये इसने बोला गया नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम। दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, आप लोगों ने इसे 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया। आपको फोर्स निकालना है, डाइलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट दे रखा है K बराबर। तो आप क्या करना बेटा, तो सबसे पहले इसमें एक चीज दे रखी है, टच किया हुआ ना बेटा, टच करके फिर सेपरेट किया ना, तो टच करने से क्या होता है चार्ज आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्या होगा बेटा, 1 - 3/2 कितना हो गया, -1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, उनके बीच के डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी। तो अब ये फोर्स निकालना, इसको आप एफ एरिया एफ नॉट बोल दो। तो एफ मीडियम निकालने के लिए क्या करते थे, एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाई के करते थे, भाई बात समझ में। यहाँ से एफ एयर निकाल देना आप लोग, ठीक है, कैसे निकालोगे, के इंटू -1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ अपॉन 9 × 10⁻²² का स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है, फिर उसको किसे डिवाइड कर लेना, 2 से। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखोगे तो के 9 × 10⁻⁹ इंटू 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ अपॉन 3 × 10⁻²² का स्क्वायर, 3 × 10⁻²² का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 × 10⁴ आ जाएगा। अब क्या होगा बेटा, 9 × 3 = 9 9 + 4 = 13 - 12 = 10 हो गया। तो ये कितना आया एफ मीडियम, 10/2 5 न्यूटन आ जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या कहता बेटा, ये दो चार्जेस थे, इनको कंडक्शन करके टच करके अलग अलग रख दिया, तो आपको पता है चार्ज इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो ये थोड़ा सा बताने से पहले बंद हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट था ना, उसमें कुछ क्या दिक्कत रखी थी, स्टेबल और अनस्टेबल वाला। अच्छा देखो बेटा क्या होता है, ध्यान से सुन, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसको आप यहाँ लाओ, एक्स डिस्टेंस रिप्लेस कर दो, ये माइनस क्यू यहाँ आ गया, ये प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद में ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू भी क्या हो गया, अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्शन में एक दिक्कत हो जाती है, रिपल्सन में क्या होता है, दूर का रिपल्सन की वैल्यू और पास आने पर रिपल्सन की वैल्यू सेम देकर एफ नेट जीरो कर देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए कैसा कहलाता है, अनस्टेबल। और दूसरी चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सही तरीके से नहीं हो पाता, आई बात समझ में, ये वाला केस से भी जीरो हो जाता है। चलो तो बच्चों विदा लेते हैं, ठीक है, समय पूरा हो गया, थोड़ी सी चीज़ बची हुई है, वैसे वो PPT में दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना, नोट्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, थ्योरी है तो आप खुद पढ़ लेना। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसके सारे क्वेश्चंस करवा दिए, होमवर्क का क्या करना है मेरे को रिप्लाई कर देना, लाइव सेशन लेना है तो शाम को 8 या 9 बजे लाइव ले लेंगे, जिससे क्या है कि वहाँ पे है ना लाइट जो है वो रहती है प्रॉपर। चलो बच्चों राधे राधे, विदा लेते हैं, अच्छा लगा होगा, ठीक है, चलो बच्चों।